प्रोडक्ट। अब आप देखिए प्री जीएसटी पोजीशन क्या था, एक मैन्युफैक्चरर था, उसने 1000 रुपीज़ का सामान लिया, अपना 10% प्रॉफिट ऐड किया, उस पर एक्साइज ड्यूटी लगाई 10%, वैट लगाया 10%, सेल प्राइस था 1331, उससे होलसेलर ने लिया, उसने वैट का क्रेडिट ले लिया, इसलिए उसको पड़ा 1210 का, उसके ऊपर उसने अपना प्रॉफिट लगाया 10%, फिर उसने लगाया वैट 10%, उसको 1464 का पड़ा। ऐसे ही रिटेलर ने उससे लिया, रिटेलर ने वैट का क्रेडिट ले लिया, ऐसे करते करते कंज्यूमर को जो प्राइस पड़ा वो पड़ा 1611। ये था प्री जीएसटी। अब आप आते हैं पोस्ट जीएसटी। पोस्ट जीएसटी में भी यही लीजिए, मैन्युफैक्चरर ने 1000 रुपीज़ का लिया, उसने प्रॉफिट लगाया 10% का, 1100 का। अब हम जीएसटी रेट 20% ले लेते हैं, क्योंकि जीएसटी में वैट भी है, एक्साइज भी है, सेस भी है और सर्विस टैक्स भी है, तो जीएसटी 220 हो गया। यहाँ उसका प्राइस पड़ा 1320। यहाँ फ़र्क क्या आ गया, जो होलसेलर ने इस पूरे 220 का क्रेडिट ले लिया, इसलिए होलसेलर को भी प्राइस 1100 का पड़ा। फिर उसने अपना प्रॉफिट मार्जिन लगाया 10%, उसके बाद उसने जीएसटी लगाया 20%, यहाँ प्राइस पड़ा 1452। फिर रिटेलर ने यहाँ पे जीएसटी क्लेम कर लिया और अल्टीमेटली फाइनल प्राइस कंज्यूमर को पड़ा 1597। अब मैं आपको बताती हूँ ये विन विन सिचुएशन कैसे हुई सबके लिए। अब आप देखिए फाइनल प्राइस टू कंज्यूमर प्री जीएसटी में था 1611, पोस्ट जीएसटी में सेम प्रोडक्ट पड़ा 1597 और कस्टमर को गेन हुआ 14 रुपीज़। टैक्सेस टू गवर्नमेंट थे प्री जीएसटी में 256, पोस्ट जीएसटी में 266, गवर्नमेंट को प्रॉफिट हुआ 10% 10 रुपीज़ का। अब आप प्रॉफिट मार्जिन ऑफ बिजनेस देखिए, यहाँ भी 10% था और यहाँ भी 10% था, लेकिन अब बिजनेसमैन को ना तो सी फॉर्म फाइलिंग की ज़रूरत है और ना ही सेल टैक्स ऑफिसर्स के चक्कर लगाने की। तो प्रॉब्लम क्या है बिजनेस क्लास को, बिजनेस क्लास को प्रॉब्लम है कि पहले वो इस पे डील नहीं करते थे, पहले वो ऐसी पर्ची पे डील करते थे और अब ये पर्ची उनकी चल नहीं रही क्योंकि वो टैक्स ब्रैकेट में आ गए हैं। अब सब लोग व्हाट्सएप पे पूछते हैं विकास कहाँ है, विकास इन पर्चियों के नीचे दबा हुआ था, विकास इसमें है, जीएसटी के अंदर हमारा विकास।